तानसेन के गुरु की याद में स्वामी हरिदास संगीत समारोह का आयोजन पिछले 25 साल से प्रांतीय कलाकार संघ रीवा लगातार करता चला आया है। रीवा के मानस भवन में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव की उपस्थिति में इस साल भी शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अकबर के नौ रत्नों में एक थे तानसेन। तानसेन रीवा के रहने वाले थे। संगीत की शिक्षा उन्होंने यहीं पर स्वामी हरिदास महाराज से ली। पिछले 25 साल से स्वामी हरिदास महाराज की स्मृति में रीवा का प्रांतीय कलाकार संघ और स्थानीय कलाकार एक संगीत समारोह का आयोजन करते चले आ रहे हैं। लगातार 25 साल से संगीत समारोह होना अपने आप में कोई मामूली बात नहीं। रीवा के मानस भवन में इस बार भी संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति का शानदार नमूना प्रस्तुत किया गया। यह शायद देश प्रदेश का पहला आयोजन होगा जो पूर्णतः भारतीय परंपराओं पर आधारित है। इस आयोजन में माया नगरी मुंबई के कलाकारों से लेकर भोपाल सहित देश के कई राष्ट्रीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव रहे, मुंबई के कथक कलाकार पंडित अखिलेश चतुर्वेदी, भोपाल के ध्रुपद गायक पंडित कमलेश तिवारी, राष्ट्रीय कलाकार पंडित हरिशंकर द्विवेदी सहित प्रख्यात युवा गायिका आस्था खरे की शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दर्शकों का मन मोहने के लिए पर्याप्त थी। जिस तरीके से शास्त्रीय संगीत का एक शानदार आयोजन आज रीवा के मानस भवन में देखने में नजर आया, ऐसी प्रस्तुतियाँ काफी कम ही देखने में नजर आती है। ये प्रांतीय कलाकार संघ द्वारा परंपरागत रूप से पिछले 25 वर्षों से स्वामी हरिदास संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से भारतीय संस्कृति भारतीय पद्धति से जुड़ा हुआ है। स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु थे और तानसेन की मुख्य कर्मभूमि रीवा रही। स्वामी हरिदास जी का सानिध्य पाने के बाद तानसेन ने रीवा में गाया और यहाँ से फिर दिल्ली गए, अकबर के दरबार में गाए। तानसेन जी के गुरु होने के नाते उनकी स्मृति में हम लोग प्रतिवर्ष स्वामी हरिदास संगीत समारोह का आयोजन करते हैं। इस आयोजन को प्रदेश के विभिन्न जिलों से कलाकार सम्मिलित होते हैं और मुंबई से भी कथक कलाकार भी देते हैं। बखावज सरोद जैसे दुर्लभ वाद्ययंत्रों का भी कार्यक्रम प्रस्तुत होता है और वृंदावन में भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा और मध्य प्रदेश में रीवा में प्रांतीय कलाकार संघ द्वारा यह आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूरे देश में कहीं नहीं होता। राजेश शुक्ला।
के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।